अंतर्राष्ट्रीय दामों का हवाला देते हुए पेट्रोल डीजल पर वैट फिर से लागू कर दी है जो कम किया था। उत्तर प्रदेश की सरकार भाजपा की लगभग ढाई वर्ष से है और कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ना चाहती भाजपा की सरकार जिसमें जनता की तबाही ना हो जाए। भ्रष्टाचार पहले से ही है, महंगाई के कारण आम जनता के उपभोक्ताओं का जीवन दुभर है, आर्थिक संकट बना हुआ है, परिवारों के ऊपर लगातार अर्थव्यवस्था का बोझ है और अब पेट्रोल और डीजल पर उत्तर प्रदेश की सरकार ने दाम बढ़ाया है। ये भी क्रूर मजाक है। उपभोक्ताओं का कभी भी भाजपा के लोगों को ऐसा ख्याल नहीं रहा कि उनकी आर्थिक जो दिक्कतें हैं उसको वो समझ लें। महंगाई को कभी रुक नहीं पाई। भाजपा सरकार में लगातार महंगाई बढ़ रही है और अब डीजल पेट्रोल के दामों में वृद्धि के कारण उनका जो घर का बजट है, परिवारों के जो बजट होते हैं घरों में अपने, उस पर भी इसकी और मार पड़ गई है। भाजपा की आर्थिक नीतियाँ आम लोगों के पक्ष में नहीं हैं। आम उपभोक्ताओं के लिए भाजपा के पास कोई एजेंडा नहीं है। वैसे तो कोई उनका आर्थिक एजेंडा ऐसा नहीं है जिससे आम लोग अपना जीवन ठीक से जी सकें, सम्मान के साथ रह सकें। उनकी आर्थिक नीतियों के कारण ही आज पूरा संकट पैदा हुआ है। बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है और भाजपा जो नॉन इश्यूज हैं उस पर सरकार चलाना चाहती है। जनता सब देख रही है, पर इसका अर्थ ये नहीं है कि जनता सिर्फ देखती रहेगी। जो हालात पैदा किए जा रहे हैं, सरकारों की जिम्मेदारी है जनता को राहत पहुंचाने की, सुविधा देने की, सुरक्षा देने की। भाजपा सरकार इस मामले में पूरी तरह संवेदन शून्य है और विचारहीन है। सर, सरकार का फर्क नहीं पड़ेगा जो बैठ का बढ़ाया गया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि पेट्रोल डीजल के दाम बहुत कम है इसमें। हाँ, लेकिन वो तो भाजपा सरकार को जनता को तबाह करना है। जनता की तबाही, जनता की दिक्कतें कैसे बढ़ जाएं, इस पर ही भाजपा लगातार सोचती है और फिर वो निर्णय करती है। भाजपा को सरकार को कोई ऐसा संकट नहीं है कि जनता को संकट में फंसाया जाए। पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ने से जो दिक्कतें पैदा होंगी, वो किसान की हालत पहले ही ख़राब है। उत्तर प्रदेश में बाढ़ है और फसलें उजड़ गई हैं, चारे का संकट है, किसान पहले से ही दिक्कत में फंस गया है और अब तेल के कारण किसान के ऊपर भी बोझ बढ़ेगा, आम उपभोक्ताओं पर भी। रोज़मर्रा का जो काम उनका होता उसमें ज़्यादा आर्थिक संकट आएगा, छोटे उद्योग धंधे भी प्रभावित होंगे। भाजपा को इससे कोई लेना देना नहीं है। उन्हें जनता को दुख पहुंचा करके उनका सुख कैसे उन्हें मिले सरकार को, यही उनका एजेंडा रहता है और जनता देर तक इसका इंतज़ार नहीं कर सकती। ऐसी सरकारें जो जनता को संकट में फंसाती हैं, संकट के प्रति जो जनता के दुख दर्द को समझती नहीं हैं, वैसी सरकारें
कभी जनता का भला सोच नहीं सकती। यूपी सरकार में वित्त मंत्री ने इस्तीफा दे दिया अपने विभाग से, वित्त मंत्रालय से। अब जो हालात है उत्तर प्रदेश के, ढाई वर्ष में जो जिस स्थिति में सरकार ने पहुंचा दिया है जनता को, राज्य को, यहाँ संकट पैदा हुआ है, उत्तर प्रदेश की छवि ख़राब की है भाजपा सरकार ने, जनता की दिक्कतें लगातार बढ़ रही है, अपराधों पर कोई रोक नहीं है, कभी भी किसी का भी अपहरण हो सकता है, हत्या हो सकती है, लूट हो रही है, ढाई वर्ष में कोई काम नहीं किया भाजपा ने सिवाय उत्तर प्रदेश की छवि ख़राब करने के। उत्तर प्रदेश को तो बर्बाद ही कर दिया है भाजपा सरकार ने, और अब लगातार कोई ना कोई, अब ये एक नया कि हम मंत्रिमंडल का विस्तार कर रहे हैं, तो कौन मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है, कौन लोग हैं वो, पहले जो काम कर रहे थे वो ये लोग कौन थे, और अब ढाई साल के बाद में जनता को ये समझते हैं कि वो अनभिज्ञ है, जनता सच्चाई जानती है, चाहे वो कितना भी विस्तार का तमाशा करते रहें, जनता की भलाई के बारे में भाजपा का एजेंडा जो है उसमें कभी कमी नहीं आ सकती। भाजपा लगातार भलाई जनता की ना हो इस एजेंडे पर काम करती है, और भाजपा कोई भी बहाना करती रहे कि हम मंत्रियों का फेरबदल कर रहे हैं, अधिकारियों का तबादला कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश की ना लूट रुक सकती है, ना भ्रष्टाचार रुक सकता है, ना अपराध रुक सकता है, ना महंगाई रुक सकती है, जनता की तबाही ही भाजपा सरकार का सबसे बड़ा एजेंडा है। अभी तक तय नहीं हो पाया सर, मंडल में भी किसको का, क्योंकि लोज मंथन चल रहा है, अभी तक तय नहीं हो पाया। हाँ, तो वो तो मंथन तो उनका पुराना प्रिय विषय है भाजपा का, वो मंथन ही करते रहते हैं, मंथन ही करेंगे, और उसमें जनता को दिग्भ्रमित करने के लिए वो लगातार मंथन का दौर चलाएंगे, और लोग समझते रहेंगे बहुत मंथन के बाद मंत्रिमंडल का फेरबदल हुआ है, कुछ विस्तार हुआ है, लेकिन असली बात यह है कि जनता का कुछ इससे लेना देना नहीं है, जनता का इसमें कहीं भला होने वाला नहीं है। अब ये तो भाजपा सरकार के जो मुखिया हैं उन्हीं को इसका जवाब देना चाहिए कि उनके मंत्री इस्तीफा दे रहे हैं और वित्त मंत्री भी इस्तीफा दे रहे हैं, तो कारण क्या हो सकता है, संकट क्या है, कौन जवाब देगा इसका। ढाई साल के बाद में ये स्थिति पैदा हो गई है कि वित्त मंत्री को भी इस्तीफा देना पड़ता हो जिस सरकार के, वो सरकार का क्या आचरण है, किस तरह की उनकी वित्तीय व्यवस्था है, कैसा अर्थव्यवस्था चला रहे हैं, और जो इस्तीफा दे रहे हैं वित्त मंत्री जी, उनको भी जवाब देना चाहिए इसका कारण क्या है कि इतने दिन वित्त मंत्री के पद पर रहने के बाद कैसे ऐसी परिस्थितियां निर्मित हुई कि उनको इस्तीफा देना पड़ा।